अरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसोफिकल सीरीज में। मैं हूं श्रीजयंत सिद्धार्थ। तो ये रामायण में कथा आती है, जब शूर्पणखा जाती है प्रभु रामचंद्र के पास, तो उस समय प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण को बोल के उसका कान और नाक काट देते। शूर्पणखा को बहुत गुस्सा होता है और बाद में जो प्रभु रामचंद्र है वो ये खर दूषण और 14,000 राक्षसों के साथ, ये सारे इतने सारे राक्षस आए थे, उन सबका विनाश करते केवल 1 घंटे में। तो ये जब शूर्पणखा देखती है, ये तो बहुत ही शक्तिशाली, 14,000 राक्षस, कर दूषण, इतने सारे शक्तिशाली राक्षस थे, उनको 1 घंटे में प्रभु रामचंद्र ने विनाश कर दिया। तो शूर्पणखा जाती है भागते 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 रावण के पास और बोलती, अरे रावण नालायक, तुम्हें पता है ये प्रभु रामचंद्र जो एक मानव है वो उसने तुम्हारे 14,000 राक्षसों का वध किया सिर्फ 1 घंटे में। तो रावण खड़ा हो जाए, क्या बात कर रहे हो फिर, और मेरा नाक और कान भी काट दिया, देखो तुम्हारे बहन का को तो बदला लेना चाहिए इस राम से। तो एक तो पहले तुम्हारे भाई का विनाश किया, तुम्हारे सैन्य का विनाश किया और तुम्हारे बहन का नाक और कान काट दिया, कुछ तो करो नालायक, कुछ तो शर्म है क्या नहीं, ऐसे रावण को शूर्पणखा का बहुत बोलती है। तो रावण बोलता है, क्या बात कर रहे हो, ये मानव, इनकी ये मजाल। तो बोलते है, मैं अभी जाता हूँ। तो वो रावण जाता है अपने मामा के पास मारीच के पास और मारीच को बोलता है, देखो मुझे तुम्हारे सहायता की जरूरत है, ये राम का बदला लेना है, इसने शूर्पणखा का नाक और कान काट दिया और हमारे 14,000 राक्षसों का विनाश किया है, तो तुम मेरे साथ चलो, हम ये राम का बदला लेंगे। तो मारीच बोलता है, अरे किस दुश्मन ने तुमको बोला ये करने के लिए, ये राम कौन है पता है, ये बहुत शक्तिशाली है, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, जब मैं अटैक करने के लिए गया था विश्वामित्र मुनि के यज्ञ पे, तो उन्होंने जो मुझे ऐसा दूर भेजा बाण मार के, तो मैं 800 माइल 100 योजन जाके गया। प्रभु रामचंद्र साधारण व्यक्ति नहीं है, वो प्रभु है, वो कुछ भी कर सकते है, उनके साथ पंगा मत लो रावण। मारीच जब ऐसा बोलता है तो रावण फिर से आ जाता है, सोचता है नहीं, काफी शक्तिशाली लगता है ये राम। तो रावण फिर से आ जाता है अपने महल में श्रीलंका में, बोलता है रावण से पंगा। शूर्पणखा देखती है, अरे इसने तो बदला ले नहीं रहा है, इसको इतना बोला मेरा कान ना काट दिया, तो ये ऐसा नहीं मानेगा, तो फिर क्या करते शूर्पणखा, पता है क्या, मैं राम के पास क्यों गई थी, मेरे लिए नहीं गई थी, अरे भैया मेरे लिए, किस लिए, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी स्त्री लाने के लिए, और जो राम की पत्नी है सीता, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ ही उसने विवाह करना चाहिए, राम के साथ क्या कर रही। और शूर्पणखा क्या करती है, सीता के हर एक अंग का वर्णन करती है, कैसे दिखती है सीता। ये जब सुनता है रावण कि सीता का जो सौंदर्य, और पूरे डिटेल्स में रामायण में बताया कि कैसे शूर्पणखा सीता के हर एक अंग का वर्णन करती, और जब ये रावण सुनता है तो उसके अंदर का जो काम है वो जागरूक हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, अभी ये राम का तो बदला हम लेके रहेंगे, और क्या करेंगे, सीता को किडनैप करेंगे। फिर से जाता है ये रावण मारीच के पास और बोलता है, मारीच मामा तुम्हें मुझे मदद करनी पड़ेगी, हम क्या कर रहे हैं, राम का बदला लेने वाले और सीता का अपहरण करने वाले। मारीच बोलता है, तुमको बताया था पिछले टाइम राम के साथ पंगा मत लो। तो रावण बोलता है, मैं तुम्हें इधर सुनाने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए नहीं, तुम्हें मदद करनी है नहीं, नहीं तो मैं इधर ही तुम्हारा सर्कल तुम्हारे बोलता है, ठीक है तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारे जाऊंगा। तो फिर तभी मारीच उसकी मदद करता है, वो हरण का रूप लेके। तो ये जो शूर्पणखा है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, व्हाट शूर्पणखा रिप्रेजेंट। पहले रावण जो था उसकी बुद्धि ठीक थी, उसने जब देखा सुना मारीच से कि रावण राम जो है बहुत शक्तिशाली है, उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, तो वो मान गया था। लेकिन शूर्पणखा ने सेकेंड टाइम क्या युक्ति की, सीता के सुंदरता का वर्णन किया। तो देखो जो आज के युग में जो मीडिया है, मीडिया इज लाइक शूर्पणखा, शूर्पणखा जो है वो मीडिया की तरह है या मीडिया शूर्पणखा की तरह है। तो हमारे जो सारे लोग हैं, पब्लिक है, वो इनोसेंट है, उनके हृदय में इतनी काम वासना नहीं है, लेकिन जब ये मीडिया क्या करता है, उसको बढ़ा देता है कि कितना एंजॉयमेंट है इस सेक्स लाइफ में, कितना एंजॉयमेंट है इस काम में, कितना एंजॉयमेंट है ऑपोजिट सेक्स में, लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें, प्लेजर तो इतना ही है। लेकिन मीडिया करता क्या करता है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है, तो लोगों के अंदर के हृदय के अंदर की जो काम वासना है वो और ज्यादा
और जागरूक होते, ऐसे मूवीज रहते हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, ऐसे मीडिया में पोर्ट्रे करते हैं कि इफ यू एंजॉय विद दिस वुमन यू विल बी सो हैप्पी इन लाइफ, लेकिन होता एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इसमें प्लेजर ज्यादा नहीं है, प्लेजर बहुत कम है, लेकिन मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है। तो शूर्पणखा ने ऐसा ही किया रावण के साथ, और फिर रावण की जो काम वासना थी इतनी बढ़ गई, सीता को लाया, लेकिन बाद में पूरे श्रीलंका का विनाश हुआ। तो आज की मीडिया और शूर्पणखा में ये सिमिलैरिटी है। वी शुड नॉट गेट इंडल्ज इन मीडिया सो मच दैट अवर लस्ट इज ऑलरेडी बहुत लस्ट है। हमें भगवान की सेवा करके, भगवान का स्मरण करके ये लस्ट को कम 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 करना है। प्रभु रामचंद्र की कृपा से ये बहुत बहुत धन्यवाद।